बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके साथ लाहौर से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर करने वाला हूँ कि पाकिस्तान में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आज लाहौर में लाहौर गार्डन के मालिक शेख तारक और उनके बेटे को रोड पर सरेआम गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अगर हमारे माशरे में ऐसे ही बिजनेसमैनों को कत्ल किया जाता रहा, ऐसे हमारे माशरे में वारदातें बढ़ती रहीं, तो लोग यहाँ पर बिजनेस करने से पहले 100 बार सोचेंगे और हमारे मुल्क की जो माशियत है वो तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाएगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत को इनके मतलब बड़ा इकदाम उठाना चाहिए ताकि बाद में हमारे सामने की ऐसा वाकया पेश ना आए। प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बाप बेटे को जन्नत फरदौस में आला मकाम दे, इनके घर वालों को सब्र दे और दुआ कीजिए कि ये लोग निशाना इबरत तक पहुँचे ताकि कभी बाद में कोई माँ का बेटा या किसी बीवी का शौहर उससे दूर ना हो। प्लीज़ खुदा के लिए वीडियो शेयर कीजिए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।